फेसबुक लाइव पर जितने साथी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं आप सबका मैं स्वागत करता हूं। थोड़ा सा हम लोग समय देते हैं ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इस फेसबुक लाइव पर जुड़ जाएं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हर संभव प्रयास कर रही है जनता से कनेक्ट करने का। जहां कंजर्वेटिव मोड के हम लोग पछता रहे हैं, जहां पे घर घर जाकर व्यक्तिगत मुलाकात कर जन संवाद के माध्यम से ऊपर बैठक के माध्यम से लोगों से जुड़ने का हम लोग प्रयास करते ही है, वहीं आज की तारीख में जहां पे सोशल मीडिया का इतना महत्व है, ऐसे में इस माध्यम से भी आप लोगों के साथ जुड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि बिहार से जुड़ी हुई ज्यादा से ज्यादा समस्याओं पर हम लोग चर्चा कर सही मायनों में उसका समाधान हम लोग निकाल पाए। आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मैं अपने तमाम साथियों से चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें विशेषतः मुख्यतः बिहार के लोग, ऐसे बिहारी जो बिहार में रह रहे हैं या ऐसे बिहारी जो इस मंच के माध्यम से, जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, जो इस मंच के माध्यम से हम लोग के साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के कोई भी ऐसे सवाल हो, कोई भी ऐसा प्रश्न हो मौजूदा परिस्थिति को लेकर या उस समस्या के समाधान को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान क्या सोच रखता है उसको लेकर अगर कोई भी अगर आप लोगों के सवाल हो कमेंट्स में आप प्लीज वो सवाल आप लोग पूछते रहे। अपराध पर हम लोगों ने मुख्यतः आज का जो फेसबुक लाइव है इसमें अपराध हम लोगों ने विषय रखा है, क्योंकि आज की तारीख में मुझे लगता है सबसे ज्यादा ज्वलित विषय अपराध ही है। जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बिहार में हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही और आज की तारीख में अगर बिहार सुर्खियां बनता है तो सिर्फ और सिर्फ अपराध को लेकर हो रही, यहाँ पे हत्याओं को लेकर हो रहे, यहाँ पे बलात्कार को लेकर, अपहरण, लूटमार, डकैती, ये सारे विषय तो साथ में चल ही रहे। इन तमाम चीजों को लेकर बिहार सुर्खियां बनता है और कहीं ना कहीं बिहार और बिहारियों को शर्मसार होना पड़ता है जब देश के नेशनल चैनल्स पर, बड़े बड़े अखबारों में जब ये सुर्खियां चलती हैं कि बिहार में इतनी हत्याएं हुई या बिहार में दिन दहाड़े इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई या इस जिले में इतनी हत्याएं हुई है, या जब पटना के SSP महोदय खुद इस बात को कबूल करते हैं कि पिछले एक महीने में 30 हत्याएं हुई हैं, जो कि औसतन हर दिन एक हत्या, वो भी सिर्फ अभी पटना की, अभी हम लोग बात कर रहे हैं पटना जिला की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सोचिए कि प्रदेश भर की कितनी भयावह होगी ये स्थिति, कितनी डरावनी होगी। ऐसे में जरूरी है इस विषय को लेकर हम लोग चर्चा करें। मैं आप सबके भी सुझाव इस माध्यम से मैं जानना चाहूंगा, साथ ही में आप लोगों के कोई भी सवाल हो, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और खास तौर पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने इस विषय पर गंभीरता से अध्ययन हम लोगों ने किया है और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में एक ऐसी परिस्थिति बने जहां पर बिहार में अपराध पूरी तरीके से नियंत्रित हो। मैं उम्मीद करता हूं कई साथी इस लाइव इस माध्यम के साथ जुड़ गए हैं, इस मंच पर जुड़ गए हैं। इस विषय को अब धीरे धीरे मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा। जब हम लोग अपराध की जब हम लोग बात करते हैं या देश के किसी भी प्रदेश में शांति से लोग रहें, वहां पे एक सामंजस्य का माहौल हो, वहां पे लोगों के भीतर एक सुरक्षा का भाव हो, तो इससे पहले हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि ये जिम्मेदारी किसकी है। भारत का संविधान भारत का एक संघीय ढांचा बनाता है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश में। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जहां पे केंद्र में एक सरकार है वहीं राज्यों में भी अपनी सरकारें हैं।
केंद्र सरकार के अपने अधिकार होते हैं, वहीं राज्य सरकारों के पास अपने अधिकार होते हैं। और कई ऐसे विषय हैं जो कि राज्य सरकार की सूची में आते हैं, जिसमें से लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः राज्य सरकार की विशेष सूची में ही आता है। अगर आप देश के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर उस राज्य सरकार की विशेष सूची में आता है। उस राज्य में शांति है कि नहीं, वहां पर अमन चैन वहां पे कायम है कि नहीं, ये तमाम विषय वहां की राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। उनको इस बात को सुनिश्चित करना है कि उनके राज्य में अमन चैन शांति कायम रहे, बरकरार रहे। उसी तरीके से शिक्षा भी राज्य सरकार की विशेष सूची में आता है, स्वास्थ्य राज्य सरकार की विशेष सूची में आता है। पर क्योंकि आज की तारीख में हम लोग सिर्फ अपराध को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में कई ऐसे लाइव प्लेटफॉर्म्स में कई और विषय हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षा पर भी चर्चा करनी उतनी ही जरूरी है, बिहार में स्वास्थ्य पर भी चर्चा करनी उतनी ही जरूरी है। इन तमाम विषयों पर एक-एक कर आने वाले दिनों में हम लोग जरूर हम लोग चर्चा करेंगे। पर आज की तारीख में जब हम लोग अपराध को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को लेकर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहां इस बात को मैंने आप लोगों को समझाया कि भारत के संघीय ढांचे में पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में बिहार में अमन चैन कायम रहे ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से मौजूदा बिहार सरकार की है। बिहार में आज की तारीख में महागठबंधन की सरकार है, जिसमें कई दलों के समर्थन से ये सरकार चल रही है, जिस सरकार का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी जहां एक तरफ राज्य सरकार की है, तो यकीनन उस सरकार के जो गृह मंत्री होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने विभाग के माध्यम से सुनिश्चित तौर पे चले और लोगों को कम से कम एक सुरक्षा का भाव मिले, किसी को कम से कम जान माल को लेकर किसी तरीके की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अब हमारे प्रदेश की परिस्थिति देख लीजिए। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, संजोग से वही हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने ये गृह विभाग, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने पास ही रखा था, तो जहां वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वही वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी। इसीलिए कई बार जब मैं उनसे सवाल करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भैया हर सवाल आप मुख्यमंत्री से क्यों करते हैं, हर विषय आप मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हैं। पर क्योंकि अपराध से जुड़ा हुआ विषय ये विभाग मेरे मुख्यमंत्री के पास ही, इसलिए कोई भी आपराधिक घटनाएं मेरे प्रदेश में होती है, अगर कोई भी हत्या अपहरण लूट मार डकैती बलात्कार कोई भी ऐसी घटना होती है, तो ये सवाल मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ही बनता है, क्योंकि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही है। ऐसे में जब हमारे प्रदेश में आए दिन हत्याओं की एक श्रृंखला बनती जा रही है, उस समय पहले जैसे मैंने जिक्र किया, और ये बात मैं नहीं कहना, ये श्रृंखला हमारे हमारे प्रदेश के पटना के हमारे SSP महोदय खुद इस बात को कबूल करते हैं कि पिछले एक महीने में लगभग 30 हत्याएं हुई। अगर आप साल भर का आंकड़ा देखें तो हजारों हत्याएं, सैकड़ों बलात्कार और लूटमार की और अपहरण की अनगिनत अनगिनत घटनाएं हमारे प्रदेश में हुई है। तो इसीलिए ये सवाल देश के मुख्यमंत्री जी से ही बनता है। कुछ दिनों पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी, उन्होंने स्पष्ट इस बात को लेकर कहा कि अरे कहाँ हो रही हैं ऐसी घटनाएं, आप लोगों के कहने से थोड़े ना जंगल राज आ जाता है। पर पूछिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से, पूछिए हमारे प्रदेश के गृह मंत्री से कि आए दिन, और जब उन्हीं के ही पटना जिस शहर में मुख्यमंत्री जी का निवास है, जहां पे वो रहते हैं, पूछिए उनसे कि क्या जो हत्याएं हो रही हैं क्या वो गलत हैं, क्या ये आंकड़े गलत हैं, क्या जो औरतें आंसू बहा रही हैं जिन्होंने अपने सुहाग को खोया, ऐसी माएं जिनकी गोद सुनी हुई हैं, क्या वो झूठ बोल रही हैं, वो बच्चे जो बिलक बिलक कर रो रहे हैं। मैं अधिकांश हत्याओं में जहां जहां पर भी हुआ है मैंने जाने का मैंने प्रयास किया है। आज की तारीख में मैं राज्य सरकार का हिस्सा नहीं हूं, संभवतः मेरे जाने से कोई बहुत ज्यादा कुछ मदद मिले या बहुत ज्यादा किसी के लिए मैं कुछ कर सकूं, मेरी सीमा है, संभवतः नहीं हो पाएगा। पर मैंने हमेशा इस बात को सुना है और मैं मानता हूं कि दुख बांटने से कम होता है। मानवता के नाते ये प्रयास मेरी तरफ से हमेशा रहता है कि कम से कम उस परिवार को मैं अपने गले से लगाऊं
जिसने अपने घर में खाने कमाने वाला खोया, या उन बच्चों को अपने सीने से लगाऊं जिसने अपने पिता को खोया, या उस बूढ़ी माँ को अपने गले से लगाऊं जिन्होंने अपने जवान बच्चे को खोया है। कम से कम इससे उनका दुख कर्म होगा। आज तक मैंने पर कभी मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनको किसी एक हत्या पर किसी पीड़ित परिवार से मिलते हुए मैंने नहीं देखा। आज तक मैंने नहीं देखा कि मेरे मुख्यमंत्री कभी गए हों और ऐसे परिवारों से मिले। मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहा। मेरे कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री जाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, नहीं जाएंगे। पर जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं पे जाते हैं, जब एक प्रदेश के गृह मंत्री जब ऐसी घटनाओं पे जाते हैं, तो वो विश्वास दिलाते हैं उन परिवार वालों को कि कम से कम उनको न्याय मिलेगा। जो व्यक्ति उस परिवार वाले ने खोया, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। वो व्यक्ति कभी वापस भी नहीं आएगा, पर कम से कम परिवार को इस बात का दिलासा तो मिलेगा, इस बात का विश्वास तो होगा कि भाई मुख्यमंत्री मेरे दरवाजे तक आए, मेरे गृह मंत्री मेरे दरवाजे तक आए, तो कम से कम स्थानीय प्रशासन इतनी मुस्तैदी दिखाएगा और कम से कम उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में कम से कम मदद होगी। पर आज तक एक तस्वीर हम लोगों ने ऐसी नहीं देखी जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसे पीड़ित परिवार से जाकर मिलना जरूरी समझा हो। उनसे मिलकर ना सिर्फ उनको वो न्याय का भरोसा दिला सकते थे, बल्कि वहां पर जो अपराधी हैं उनके मनोबल को वो गिरा सकते थे। जब ऐसी जगहों पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जाते, तो अपराधियों के मन में ये डर बैठता है, ये भय बैठता, ये खौफ बैठता कि भैया अब मुख्यमंत्री खुद इस विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो संभवतः इस तरीके की आपराधिक घटनाओं में लगाम लगेगी। वहां के स्थानीय प्रशासन पे ये दबाव पड़ता, वहां के स्थानीय प्रशासन पे ये दबाव पड़ता कि अब हम लोग को मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यालय से, गृह मंत्री के यहाँ से इस विषय की मॉनिटरिंग की जा रही है। पर ये सुरक्षा का भाव तक देना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूरी नहीं समझते, और यही कारण है कि अपराधियों के मन में डर, भय का माहौल नहीं बैठता है। जब तक किसी में कानून का डर नहीं बैठेगा, तो अपराधी किस तरीके से आपराधिक घटनाओं को कम करेगा? जब तक उसको इस बात का डर ही नहीं होगा कि भैया आज मैं अपराध कर रहा हूं, कल को मेरी गिरफ्तारी होगी, परसों मुझे सजा होगी। आज तक बता दीजिए, मैं लंबे आंकड़ों में नहीं जाता कि 10 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था, पिछले 1 साल में ही बता दीजिए अनगिनत आपराधिक घटनाएं घटी हैं। कितने लोगों को सजा मिली? अगर किसी इक्का दुक्का किसी को पकड़ भी लिया जाता है, तो महीने 2 महीने के भीतर जानकारी के अभाव में, तथ्यों के अभाव में उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में कैसे किसी पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? जब तक अपराधी को सजा नहीं मिलेगी, जब तक अपराधी को सजा नहीं मिलेगी, तो ना सिर्फ पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि अपराधियों के मन में भी इस बात को लेकर डर नहीं बैठेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने प्रमुखता से इन तमाम विषयों का हम लोगों ने जिक्र किया। मेरे जितने साथी जो बिहार में रहते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों ने अनुभव किया होगा, 100 नंबर तक कई इलाकों में काम नहीं करता। आप लोग अगर 100 नंबर डायल करेंगे, कल को भगवान ना करे पर आपके घर में, परिवार में अगर कोई घटना घट जाए, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो ऐसे में आप लोग 100 नंबर आप लोग डायल करते रहिएगा, या तो वो नंबर आउट ऑफ सर्विस होगा, या वो नंबर लगेगा ही नहीं, और अगर कभी लग गया तो वो नंबर पे कोई फोन उठाएगा नहीं। ये परिस्थिति बिहार की बन गई है। तो अगर ऐसी ऐसी परिस्थिति में कल को मान लीजिए अगर किसी के घर कोई आपराधिक घटना घटी, चोर लुटेरे डकैत वहां पर घुस गए, या आपकी बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म वहां पर कर रहा है, तो आप कैसे आप प्रशासन को कॉन्टेक्ट कीजिएगा? भाई हर किसी के पास संभव नहीं है ना कि थाना अध्यक्ष का मोबाइल नंबर हर किसी के पास हो, या एसपी साहब का मोबाइल नंबर हर किसी के पास हो। बचपन से हम लोग को यही सिखाया जाता है ना कि 100 नंबर पे डायल करो, कुछ भी हो, आप 100 नंबर आप घुमाते रहिए, 100 नंबर आप लगाते रहिए, लगाते रहिए, 100 नंबर पर कोई फोन उठाने वाला नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने सबसे पहले, और जो कि एकदम बेसिक है ये, सबसे पहले इस बात का हम लोगों ने उसमें जिक्र किया है कि 100 नंबर को दुरुस्त करना जरूरी है। जरूरी है कि तुरंत 5 से 6 मिनट के भीतर आपके पास मदद पहुंचे। जब तक वो मदद आपके पास पहुंचे कि नहीं, अगर अपराधियों के मन में इस बात का डर ही नहीं होगा कि भैया मैं किसी आपराधिक घटना को मैं अंजाम दे रहा हूं और पुलिस आएगी ही नहीं,
तो भाई वो तो बेखौफ होके इस घटना को अंजाम देता रहेगा। और यही कारण है दिन दहाड़े जब गोलियां चलती हैं, दिन दहाड़े जब गोलियां चलती हैं, तो उसका कारण ही यही है कि अपराधियों के मन में इस बात का डर ही नहीं है कि वहां पे पुलिस आएगी। और इसी को लेकर कई मेरे साथी भी सवाल पूछ रहे हैं कि भैया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट अपराध को रोकने में कैसे मददगार साबित होगा। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में इसी बात का प्रमुखता से हम लोगों ने जिक्र किया है कि पहले 100 नंबर काम करें, कहीं पर भी आपराधिक घटना घट रही है एक तय समय पर वहां पर स्थानीय प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे, ये सबसे पहले सुनिश्चित करना जरूरी है। स्थानीय प्रशासन को इतना मुस्तैद होना पड़ेगा और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट इस बात को सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय प्रशासन इतना मुस्तैद हो ताकि तत्काल प्रभाव से वहां पर जहां पर भी आपराधिक घटना घट रही है या जहां से भी इस तरीके की जानकारी स्थानीय थाने को या वहां के स्थानीय प्रशासन के लोगों को या पेट्रोलिंग कर रही गाड़ियों को, आप देखेंगे कई बार पेट्रोलिंग करती गाड़ियां लाइट और इसको अपना बंद करके वहां पर गाड़ी एक जगह कोने में पार्क करके वो लोग सोए हुए, इस बात को हम लोग को दुरुस्त करने की जरूरत है। पेट्रोलिंग व्हीकल्स निरंतरता में गश्त लगाते रहें, पेट्रोलिंग करते रहें ताकि कहीं पे भी अगल बगल में कोई घटना हो रही हो तो लोग चौकन्ने रहें, ये लोग चौकन्ने रहें, इन बातों को हम लोग को सुनिश्चित करना होगा जिसकी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हम लोग प्रमुखता से हम लोग इसके पक्षधर हैं, इसका हम लोग जिक्र करते हैं। साथ ही में FIR दर्ज कराने में जो कठिनाइयों का हम लोग को सामना करना पड़ता है, आज भी आप चले जाइए भैया FIR ही दर्ज नहीं होती है, जब आप थाने में जाते हैं थाने वाले इस थाने से उस थाने इधर से उधर आपको दौड़ाते रहेंगे आपको भगाते रहेंगे, FIR तक दर्ज करना कोई जरूरी नहीं समझता, कार्रवाई और उसके ऊपर अपराधियों को सजा मिलना तो बहुत दूर की बात है, बट सबसे पहले जो बेसिक चीज है कि भाई आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो आप दर्ज कीजिए, आप FIR तो आप दर्ज कीजिए, आप पहले जानिए तो कि वहां पे क्या घटना घटी है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। FIR तक वहां पे अधिकांश थानों में दर्ज नहीं होती, महिलाओं के साथ ही अलग परेशानी बनी हुई है, वो थानों में जाती हैं तो बोला जाता है कि भैया आप महिला थाने में जाइए। आज आज की तारीख में ये विषय आ रहा है, ये कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी उस थाने की होगी, पर सबसे पहले वहां पर उसकी FIR दर्ज हो इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, जिसको बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हम लोग मेक श्योर करेंगे कि इसको किया जाए। बिहार में थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इश्यू था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही हो। साथ ही में इस बात को भी हम लोग को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि तय सीमा पे टाइम बाउंड कुछ ऐसे अपराध हैं जिसको अगर आप अनंत काल के लिए छोड़ दीजिएगा तो वो पुनः कारण बनते हैं अपराधियों के मन से डर को मिटाने के लिए। लोगों को लगता है कि भैया क्या होगा, हम जाएंगे अगर पकड़ भी लिया तो सालों साल केस चलेगा, निकल जाएंगे, छूट जाएंगे। निर्भया का एक मैटर है जिसको मैंने लोकसभा में सदन के पटल पर भी मैंने उठाया था और उस वक्त भी मैंने कहा था कि अपराधियों के मन में डर इसीलिए नहीं है क्योंकि निर्भया का मैटर सालों साल चला और इतने विकल्प अपराधियों को दिए गए। उस वक्त भी मैंने एज अ लॉ मेकर भारत की संसद में खड़े होकर मैंने कहा था कि हर उस कानून को हम लोग को बदलने की जरूरत है जो अपराधियों को इतने विकल्प देते हैं और साल दर साल उनको बचने के मौके देते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये एक बहुत मशहूर डायलॉग हम लोगों ने सुना था जो कहीं ना कहीं आज की तारीख में हकीकत बन गया। अपराधियों के पास इतने विकल्प होते हैं, उनको एक के बाद एक तारीख पे तारीख दी जाती है, सोचिए ऐसे में उस पीड़ित परिवार पे क्या गुजरती होगी जो न्याय की आस में दशकों बिता देते हैं, सालों बिता देते हैं, पर उसके बाद भी संभवतः उन लोगों को न्याय नहीं मिलता। ऐसे में टाइम बाउंड जांच होनी जरूरी है, वर्डिक्ट आना जरूरी है, एक तय समय सीमा पर ये तमाम कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक किए जाने चाहिए कई मैटर्स जिसको बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने बहुत प्रमुखता से उठाया, जिसमें खास तौर पर महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए जितने विषय हैं उसको फास्ट ट्रैक होने की जरूरत है। इन विषयों को तत्काल प्रभाव से इनका निपटारा करने की जरूरत है ताकि ना सिर्फ उस पीड़िता को उसको कम से कम न्याय मिले, ताकि अपराधियों के मन में भी डर हो कि भैया पिछला वाला ये मैटर हुआ था, ये केस हुआ था, तुरंत उसको फांसी की सजा मिली, तुरंत उसको उम्र कैद की सजा मिली, या जो भी जिस भी तरीके का वो अपराध हो। घृणित से घृणित अपराध हमारे प्रदेश में होते हैं पर उसके बावजूद अपराधी खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम
अपराधी को तो शर्मसार होना बहुत दूर की बात है, वो उस पीड़िता को शर्मसार करते हैं। उसके घर वाले अपने गांव घर को छोड़ के जाने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि शर्म उस अपराधी को आनी चाहिए। हाल फिलहाल के दिनों में शायद ही बिहार का कोई ऐसा जिला रहा होगा जहां पे आपराधिक घटनाओं को लेकर मैं वहां पे नहीं गया। और आज की तारीख में चिंता तो हम लोग की तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब पुलिस तक हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। सोचिए, जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं है वहां पे प्रदेशवासी कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारे सुरक्षा कर्मी जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, प्रशासन के लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है हम लोग को सुरक्षित रखने की, सबसे पहले उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलना चाहिए। सबसे पहले उन लोगों को तमाम तरीके की वो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज की तारीख में छोटी छोटी चीजें हैं, पर सोचिए किस तरीके के उनको शस्त्र मिलते हैं, ऐसी ऐसी राइफल्स मिलती हैं जो कि संभवतः समय आने पर काम तक नहीं करती होंगी। कितनी बार इन चीजों की समीक्षा की जाती है, हमारे पुलिस कर्मियों की फिटनेस की कितनी बार समीक्षा की जाती है कि कल को कोई अपराधी आए और वो भाग रहा हो तो दौड़ के उसको चेस कर ये पुलिस कर्मी पकड़ लें। इन तमाम चीजों पर हम लोग को काम करने की जरूरत है। पुलिस कर्मियों की फिटनेस को लेकर हम लोग को चिंता करने की जरूरत है। उनको मिल रहे उपकरणों को लेकर, क्या वो उतने सुरक्षित हैं? उन लोगों की बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात हो या आधुनिक उपकरणों की बात हो, उनके जो उनको गन्स मिलती हैं, राइफल्स मिलती हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लेस है कि नहीं, वो मॉडर्न है कि नहीं, इन तमाम चीजों पर हम लोग को अध्ययन करने की जरूरत है। इन तमाम चीजों पर सरकार को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सरकार को जरूरी है कि अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा अपने प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए खर्च किया जा सके। पर अफसोस इस बात का है कि हम लोग एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां पे घोटाले तो हजारों करोड़ के हो जाते हैं, पर वहीं जब प्रदेशवासियों की सुरक्षा से जुड़े हुए विषय आते हैं तो उस पर राज्य सरकार अपने राजस्व का एक हिस्सा तक सही तरीके से खर्च करना जरूरी नहीं समझती। और जो हिस्सा खर्च होता भी है वो हम लोगों से, बिहारियों से बेहतर कौन जानता है कि उसमें से कितना हिस्सा सही मायनों में इस्तेमाल किया जाता है और कितना भ्रष्टाचार की देन चढ़ता है, ये हम लोग के लिए समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे में और भी जो आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, पैसे लेकर अपराधियों को, ये हर बिहारी जानता है कि आज की तारीख में बिहार में बिना घूस दिए शायद ही कोई काम होता हो। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता हम लोगों की बन जाती है कि भैया एक तो हमारे घर परिवार में आपराधिक घटना घटी, वहीं दूसरी तरफ के लोग क्योंकि अपराधी हैं और धन बल से मजबूत हैं तो वो घूस देकर, वो अपनी मिली भगत कर प्रशासन के लोगों को अपनी तरफ कर लेते हैं और उसके बाद आयो उनके अनुसार रिपोर्ट दर्ज करता है, उनके हिसाब से जितने भी प्रूफ्स हैं उनके साथ, तथ्यों के साथ छेड़खानी की जाती है, उनको बदलने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास धन बल हर तरीके का सामर्थ्य है उन लोगों के पास इन चीजों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने का। ऐसे में जरूरत है आधुनिकीकरण की, ऐसे में जरूरत है आज की तारीख में तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने की ताकि तथ्यों के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ ना की जाए। सीसीटीवी कैमरास हर एक जगह पूरे प्रदेश में हमारे लगे हों, हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहे पर लगे हों ताकि उस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सही जानकारी हम लोग के पास आए और कोई भी उस जानकारी के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। थानों में ऐसे सीसीटीवी कैमरास लगे होने चाहिए ताकि इस बात की निरंतरता में मॉनिटरिंग हो कि भैया जो रिपोर्ट दर्ज हो रही है वो सही है, जो एविडेंसेस आए हैं उसको ऑनलाइन रजिस्टर किया जाना चाहिए ताकि बाद में उन एविडेंसेस के साथ किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ ना कर सके। फॉरेंसिक लैब्स यहां पर बैठाए जाने की जरूरत है ताकि जितने भी एविडेंसेस आए हैं उनके फिंगरप्रिंट्स हो या उनकी फर्दर फॉरेंसिक उसकी जांच करवाने की जरूरत हो, हर चीज अप टू डेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे प्रदेश में हो। पर अफसोस की बात है इस विषय में हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो चर्चा तक करना जरूरी नहीं समझते। आप देश के बाकी राज्यों में चले जाइए, आज की तारीख में अपराध के निपटारे को लेकर, उसमें पीड़ितों को न्याय दिलाने को लेकर टेक्नोलॉजी का अपार इस्तेमाल किया जा रहा है।
पर वहीं हमारे प्रदेश में देख लीजिए, आज भी पुराने तरीकों से, आज भी जो अपराधियों ने जो एविडेंसेस वहां पे छोड़े होंगे, हम कई बार तो ग्लव्स तक पहनना हमारे प्रशासन के लोग जरूरी नहीं समझते। इसमें कितने ऐसे एविडेंस हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं, अपराधियों के उंगलियों के निशान हो, उनके द्वारा छोड़े गए एविडेंसेस हो, वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस दिशा में हम लोग बात ही नहीं करते। आखिरी बार कब ऐसी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की गई हैं प्रशासन के लोगों को लेकर, हमारे पुलिस कर्मियों को लेकर, ताकि उनको सैनिटाइज किया जाए, उनको जानकारी दी जाए, नई नई टेक्नोलॉजीज को लेकर, फॉरेंसिक लैब के अधिकारी आए, वो जानकारी दें कि भैया किस तरीके से जब आप किसी घटना स्थल पर जाते हैं, जब आप किसी एक ऐसे स्पॉट पर जाते हैं जहां पे घटना घटी हो, तो वहां पे क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, किस तरीके की सावधानियां हम लोग को बरतने की जरूरत है। इन विषयों पर कभी चर्चा खुलकर हमारे प्रदेश में या विभाग में संभवतः कभी हुई नहीं है। इन तमाम चीजों को बढ़ाने की बात बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करता है, और इसीलिए मैं आप सब से मैं आग्रह करता हूं कि आप सब भी सामने आए और जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो सोच है अपराध को नियंत्रित करने को लेकर, हर दिशा में मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आजमाना चाहता है, जहां पे पुलिस को सैनिटाइज करने की बात हो, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने की बात हो, कानून को मजबूती से लागू करने की बात हो। जब तक कानून मजबूती से लागू नहीं होगा, आज की तारीख में शराबबंदी का कानून बना हुआ है, और हमारे कुछ साथियों ने यह सवाल भी पूछा है कि भाई दारू बंद करने को लेकर, शराबबंदी एक ऐसा कानून जिसका तमाम पार्टियों ने और हम सब ने बढ़ चढ़ कर उसका समर्थन किया, पर आज जिस तरीके से शराबबंदी की आड़ में अपराध को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया जा रहा है, तस्करों को बढ़ावा दे दिया गया है, तस्करी जिस तरीके से हमारे प्रदेश में बढ़ती जा रही है, आप जाइए सीमावर्ती इलाकों में, किस तरीके से आयात हो रहा है दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेश में अवैध शराब का, जहरीली शराब के उद्योग बिहार के प्रखंड तो भूल जाइए, पंचायतों में खुलने लग गए, छोटे छोटे पंचायतों में आप चले जाइए, वहां पर उद्योग खुलने लग गए हैं, वहां पर धंधे शुरू हो गए अवैध शराब के निर्माण को लेकर, और उसी में जहरीली शराब बनती है और लोग वहां पर पीकर उनकी हत्याएं हो जाती हैं, और ऐसे में पूरे प्रशासन को आपने झोंक दिया भैया, कभी ड्रोन के माध्यम से, कभी ढूंढने के माध्यम से, पूरी पुलिस सिर्फ इसी में लगी हुई है कि भाई आप शराब ढूंढेंगे, पुलिस से आप शराबबंदी को अपने अपने कानून को धरातल पर उतारने में आपने पूरी पुलिस को लगा दिया है, तो वो पुलिस कैसे काम करेगी हत्यारों को ढूंढने में या बलात्कारियों को ढूंढने में। ऐसे में जब कोई कानून बनाया जाता है तो जरूरी है उस पर पूरी रिसर्च हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक दिन में यह ज्ञान प्राप्ति हुई और वो शराबबंदी का कानून ले आए, जबकि उससे कुछ दिन पहले तक बिहार के गांव-गांव में शराब के ठेके खुलवाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही किया जा रहा था। आज अगर बिहार के गांव-गांव में अगर शराब के ठेके खुले हैं तो किसकी देन है भैया, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है। 2014-15 तक लाइसेंसेस निकालते ये नहीं थक रहे थे, ठेके निकालते ये नहीं थक रहे थे ताकि बिहार के गांव-गांव में शराब की दुकानें खुले, और उसके बाद यकायक इनको ज्ञान प्राप्ति हुई कि भैया जो शराब पीता है वो महापापी है। चलिए हमने भी माना भाई कि वो महापापी है, पर उसके लिए आप कोई ठोस नियम कायदा कानून बनाएंगे कि नहीं। एकदम जल्दबाजी में लाया गया ये कानून, आपने एक बार भी सोचा कि भैया जो एल्कोहलिक और एल्कोहलिक होते हैं, जिनको शराब की लत होती है, उनके लिए आपने कितने रिहैब सेंटर्स बनाए, कहां पे जाएंगे भैया वो अपना इलाज कराने, ताकि वो अपना इलाज कराएं और वो शराब की लत से अपने आप को मुक्त करा सके। जो लोग अपने आप को शराब की लत से मुक्त नहीं करा पाए वो जहरीली शराब तक पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वो आदी है, वो अल्कोहलिक है, उनको शराब की लत है, और यही कारण है कि भैया जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के आंकड़े इतने बढ़ते जा रहे हैं, और यही कारण है कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। भैया कौन कहता है कि बिहार में शराबबंदी चल रही है आज की तारीख में, और कमेंट्स में प्लीज मुझे बताइए कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या आज की तारीख में बिहार में होम डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है जहरीली शराब की, अवैध शराब की, घर घर तक शराब की बोतलें आज की तारीख में पहुंचाई जा रही है, और ये हर एक बिहारी को पता है, संभवतः 13 करोड़ बिहारी को, बच्चे तक को पता है। जहां पे ऐसी हत्याओं पे मैं जाता हूं, एक छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कि भैया फलाना मकान के पीछे वहां पे अवैध शराब के निर्माण का धंधा चल रहा है, बच्चों तक को पता है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं पता, और इन्होंने पूरी पुलिस को इसमें लगा रखा है, पूरे डिपार्टमेंट को इसमें लगा रखा है, और उन्हीं लोगों की साठगांठ आज की तारीख में आप बिहार की जेल में, मुझे बता दीजिए
कौन लोग बंद हैं शराबबंदी को लेकर? सिर्फ बिहार के गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लोग शराबबंदी धाराओं को तोड़ने के तहत वो लोग जेल में बंद है। कोई एक गिरोह मुझे बता दीजिए जो इसके तहत बंद हो, कोई एक बड़ा ऐसा गैंग बता दीजिए जो शराबबंदी धाराओं के उल्लंघन को लेकर बिहार की जेल में बंद हो। जितने उद्योग लगाने वाले लोग हैं, जितने ऐसे गिरोह हैं जो ऐसे धंधे को चला रहे हैं, जो जहरीली शराब का आयात करा रहे हैं ऐसे तस्कर, वो सब खुलेआम घूम रहे हैं और आज की भी तारीख में खुलेआम तस्करी कर रहे हैं, खुलेआम अवैध शराब का निर्माण के धंधे से जुड़े हुए हैं। और बिहार की जेलों में कौन लोग बंद हैं? ऐसे लोग जो कि गरीब वंचित वर्ग से आते हैं, जिनके पास संभवतः बेल कराने तक के पैसे नहीं है, या ऐसे लोग जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी पेशा रहा है, पासी समाज के लोगों को इन्होंने शराबबंदी की धारा में। सोचिए भाई, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो इस बात को जानता है कि आज की तारीख ताड़ी एक प्राकृतिक पदार्थ है, नेचुरल जूस जैसे होता है वो है। ताड़ी बेचने के आरोप में पासी समाज के लोगों को इन्होंने शराबबंदी की धाराएं लगाकर उनको बिहार की जेलों में बंद किया हुआ है। पर वहीं जितने ऐसे उद्योग धंधे वाले लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भैया संरक्षण प्राप्त है, और इस बात को मैं खुले तौर पर मैं बोल रहा हूं कि भाई संरक्षण प्राप्त है ऐसे गिरोह को जो जहरीली शराब या अवैध शराब के निर्माण से जुड़े हुए हैं, संरक्षण प्राप्त है ऐसे तस्करों को जो अवैध शराब का निर्यात कराते हैं सीमावर्ती इलाकों से, और संरक्षण प्राप्त है कई ऐसे अपराधियों को जो अपने अपने इलाकों में आपराधिक घटनाओं को निरंतरता में अंजाम देते रहते हैं। वहां की स्थानीय पुलिस आंख मूंदी बैठी रहती है, उसको उनकी नाक के नीचे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, पर स्थानीय प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहता है क्योंकि इन्हीं लोगों का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में जरूरी है, और इसमें अब मैं अंत में आप सब से आग्रह करूंगा, अगर हम लोग को बिहार को एक सुरक्षित प्रदेश बनाना है, बिहार को आगे लेकर जाना है, आज क्यों नहीं बिहार में कोई निवेशक आता है? किसी भी निवेशक को निवेश करने के लिए सबसे पहले भैया एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए कि कम से कम मैं जितना निवेश मैं कर रहा हूं, कम से कम मेरा निवेश तो सुरक्षित रहे। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो प्रदेश नहीं दे पाए वहां पे क्यों निवेशक आएंगे? आप बगल के राज्य में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में देखिए, देश भर से क्या दुनिया भर से निवेशक वहां पर जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों बिहार क्यों कोई क्यों नहीं आता? क्योंकि बिहार में उनको अपने निवेश को लेकर सिक्योरिटी नहीं है, उनको अपने जान को, माल तो छोड़ दीजिए जान को लेकर उनको सिक्योरिटी नहीं है कि भैया हम पैसा लगाने के लिए लेकर जाएंगे, कल को हम ही को बंदी बना लिया या हमारी हत्या कर दी गई। तो ऐसे में बिहार को अगर आगे लेकर जाना है तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना जरूरी है। बिहार में अगर हम चाहते हैं कि टूरिज्म फले फूले, देश भर से दुनिया भर से लोग यहां पर आए, टूरिस्ट यहां पर आए, उसके लिए बिहार को एक सुरक्षित राज्य बनाना होगा। आए दिन अगर सिर्फ हत्याओं को लेकर ही बिहार देश भर में दुनिया भर में सुर्खियों में बनेगा तो कोई टूरिस्ट कोई पर्यटक यहां पे नहीं आना चाहेगा, कोई निवेशक हमारे प्रदेश में नहीं आना चाहेगा, और उल्टा जब हम लोग दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो लोग हम लोग को हीन भावना से देखते हैं कि अरे इनके प्रदेश में तो खुद इतनी हत्याएं हो रही है, ये उस राज्य से आता है। जाते हैं लोग पूछते हैं कि भैया वहां पे लोग सड़क पे चल पाता है, सुरक्षित रहता है, लोगों को लगता है राह चलते हम लोगों को गोली मार दी जाएगी। इस तरीके की छवि हमारे प्रदेश की बना दी गई है। और ऐसे में जब मैं सवाल पूछता हूं मुख्यमंत्री से तो पूछा जाता है कि भाई मैं उनसे क्यों सवाल पूछ रहा हूं? सवाल से इसीलिए क्योंकि 18 साल से मेरे प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, 18 साल से मेरे प्रदेश के वो गृह मंत्री हैं, और आज की तारीख में बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, यही सरकार और इसी सरकार के घटक दल अलग अलग समय में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं पिछले 33 साल से। 33 साल में अगर बिहार जंगल राज से बाहर नहीं आ पाया, और आज तो महाजंगल राज की बात होती है, तो इसकी जिम्मेदार भी यही सरकार है। ऐसे में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एक ईमानदार प्रयास कर रहा है बिहार को एक सुरक्षित राज्य बनाने का, एक ईमानदार प्रयास कर रहा है अपनी बहन बेटी माताओं की कम से कम इज्जत को बचाने का, उनको एक सम्मान की जिंदगी देने का। मैं चाहता हूं जितने मेरे साथी हैं जो इस सोच से सहमत हैं, जो बिहार को एक सुरक्षित राज्य बनाने की सोच रखते हैं, मैं चाहता हूं आप सब आए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मजबूती से साथ दें, इसी तरीके से अपने सुझाव देते रहें, इसी तरीके से अपना साथ और अपना आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।